प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के तुमकुर में कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त की जारी। दिसंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना से लगभग 6 करोड़ लाभार्थी हो रहे हैं लाभान्वित। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार भी किए प्रदान। प्रधानमंत्री ने आज तुमकुर में स्थित गंगा मठ की यात्रा की, जहां उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु रहे श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी को अर्पित की श्रद्धांजलि। नागरिकता संशोधन कानून पर मचे बवाल के बीच भाजपा ने आज से शुरू किया जन जागरण अभियान। अभियान के तहत बीजेपी देश भर में निकालेगी 1000 रैलियां और 250 से ज्यादा करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के वडोदरा से की अभियान की शुरुआत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद देवी प्रसाद त्रिपाठी का लंबी बीमारी के बाद आज दिल्ली में हुआ निधन। आरबीआई ने नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए मनी ऐप मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर किया लॉन्च। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के लिए कुल 22 झांकियों का किया गया चयन, जिनमें 16 राज्यों और 6 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियों को किया गया है शामिल। राजधानी दिल्ली समेत उत्तरी क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप, उत्तराखंड की औली में बर्फ की जमी मोटी चादर। पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ी में आज सुबह एक फैक्ट्री में लगी आग, आग बुझाने के दौरान अग्निशमन विभाग के 9 कर्मियों सहित 10 लोग हुए जख्मी। अमेरिका द्वारा दी गई धमकी के बाद इराक में ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन के लड़ाकों को हटाया गया। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में लगी आग की घटनाओं को देखते हुए 1 सप्ताह के लिए आपातकाल किया गया घोषित। अब खबरें खेल जगत से। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला होगा रविवार को गुवाहाटी में। लसिथ मलिंगा के नेतृत्व में 16 सदस्यीय श्रीलंकाई टीम आज पहुंची भारत।